जमशेदपुर में दुकानों के किराए में सैकड़ों गुना वृद्धि किए जाने पर व्यापारियों ने इस सरकार और जेएनएसी द्वारा आतंकित करने वाली घटना बताया है। वहीं विधायक सरयू राय ने भी अधिकारियों से किराए में की गई बढ़ोतरी की पुनः समीक्षा करने की बात कही है। एक रिपोर्ट। साक्षी स्थित सरयू राय के कार्यालय में विभिन्न बाजारों के व्यापारियों की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जेएनएसी द्वारा दुकानों के किराए में सैकड़ों गुना वृद्धि किए जाने का विरोध किया गया। दुकानदारों ने सरयू राय को इस मामले का नेतृत्व करने का आग्रह किया। व्यापारियों ने कहा कि ये न्याय संगत नहीं है कि जिन दुकानों का किराया टाटा स्टील के द्वारा 24-25 रुपए लिया जाता था, उस दुकान का किराया 15 से 16 हजार रुपए वसूल करने का बिल जेएनएसी के द्वारा दुकानदारों को भेजा जा रहा है। हम लोग चाहेंगे इनको सहूलियत मिले, बाजार चले, क्योंकि व्यवसायी हैं तो इनसे पूरी जनता जुड़ी हुई है न। जनता का कुछ भी लेन देन सामान का काम है वो इनके माध्यम से होता है, कठिनाई तो लोगों को भी होगी। तो ये ऐसा मामला है जिसमें नियम कानून के प्रावधानों को देखते हुए और इस बात को रखा जाएगा तो जो व्यवसायी हैं उनका हित जरूर सुरक्षित रहेगा। यही है कि अब उतना देखिए कोई भी चीज़ का 280 रुपये का बहुत ज़्यादा होता है, आदमी 500 कर सकता है, 1000 रुपये कर सकते हैं, लेकिन एकाएक 75,000 कर दें तो कोई भी व्यापारीगण जो है देता दे नहीं पाएगा। हमको कभी बताया ही नहीं कि भाई हम लोग आपको भाड़ा फिक्सेशन कर रहे हैं, क्यों भाई? जब ठीक है आप उसको समझते हैं कि आपका अपना प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर कैसे कुछ दुकानों का उसमें ये हो गया है, आपका रजिस्ट्री हो गया है, म्यूटेशन कैसे हो गया है, और कुछ दुकान कैसे तीन तल्ला बन गई है जो बिष्टुपुर बाजार में अंदर में सरात का बाजार में है। तो 107 साल से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ रहते हुए, तीसरा चौथा पीढ़ी के लोग हम दुकान चला रहे हैं, अब हमको भाड़ा नहीं, हमको मालिकाना हक चाहिए। दुकानदारों ने कहा कि कोई भी व्यापारी जेएनएसी के द्वारा भेजे गए इन बिलों का भुगतान नहीं करेगा और जब तक इस वृद्धि को वापस नहीं लिया जाता है तब तक काला बिल्ला लगाकर दुकानदार व्यापार करेंगे। कुछ व्यापारियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेएनएसी को बाजार के दुकानों का किराया लेने का कोई हक नहीं, क्योंकि इनका गठन ही असंवैधानिक है। सैरात के बाजारों को नगर जेएनएसी को हस्तांतरित कर दिया गया और हस्तांतरित करने के बाद में बिना उस दुकान में कार्यरत दुकानदारों को सुने हुए एक आदेश पारित किया गया जिसके तहत बेतहाशा भाड़े में वृद्धि कर दी गई, जो कि गलत है। मेरा यह मानना है कि चूंकि हम लोगों को लिखित में नोटिस आया है तो हम लोगों को स्टे लेना चाहिए और माननीय उपायुक्त महोदया ने कल कहा है कि मैं कमेटी बनाऊंगी, लेकिन कमेटी को कोई भी लीगल राइट नहीं है। इधर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के स्पेशल अफसर कृष्ण कुमार का कहना है कि सभी नगर इकाई को हैंडओवर होना था लेकिन हैंडओवर नहीं हो पाया था। रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्बन डिपार्टमेंट के पत्राचार होने के बाद जेएनएसी को हैंडओवर अब किया जा चुका है। जमशेदपुर में चूंकि टाटा स्टील के पास सैरात थी तो हैंडओवर नहीं हो पाया था, पर पत्राचार रेवेन्यू डिपार्टमेंट और अर्बन डिपार्टमेंट से होने के बाद यहाँ पे किया गया। जहाँ तक हमें पता है कि जो भाड़ा जो बढ़ा है उसमें एसडीओ साहब के कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद ही ये बढ़ोतरी हुई है और इन्होंने जो बढ़ोतरी की है वो वर्तमान के रेंट फिक्सेशन के दुकानों का आधार लेकर के किया गया है। और अगर किन्हीं को कोई आपत्ति है तो इसका अपील जो है किया जा सकता है, और कल भी जो है मैडम से बात हो रही थी तो किन्हीं को कोई दिक्कत है तो रेंट फिक्सेशन को लेकर के या बढ़ोतरी को लेकर के तो वो जा करके अपना मैडम के यहाँ डीसी मैडम के यहाँ अपील कर सकते हैं। डीसी मैडम कंसिडर करने के बाद रिमांड बैक कर सकती है। तो सारे प्रोविजंस सारे द्वार खुले हुए हैं, लोगों को अगर कहीं कोई परेशानी है तो मैडम से मिले और जा करके अपना बात रखें, उसमें जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन या उपाय निकल के आएगा। बहरहाल इस मसले का जल्द हल निकलना चाहिए ताकि व्यापारी आंदोलन को मजबूर ना हो। जमशेदपुर से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए लाला जमीन की रिपोर्ट।